गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं संगीता वाजपेयी आज आपको आर्ट एंड क्राफ्ट बताने जा रही हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट में आज हम लोग फ्लावर बनाएंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह का पेपर। देखिए, अगर आपको दोनों साइड सेम कलर का पेपर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो मोस्ट बेटर। अगर नहीं है तो इस तरह का पेपर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर चार्ट पेपर है आपके पास तो चार्ट पेपर भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए फेविकॉल चाहिए। अगर आप पेस्ट करके पहले से रखते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो जल्दी में हम लोग स्टेपलर्स यूज़ करेंगे, सीजर यूज़ करेंगे और इस तरह का बटन यूज़ करेंगे। देखिए, ये बटन से हम लोग फ्लावर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लावर बनाने के लिए, और एक स्टिक चाहिए एकदम पतला सा इस तरह से, जिसमें हम लोग ग्रीन कलर का पेपर इसमें पेस्ट करके फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले मैं फ्लावर बनाना आपको बताती हूँ। देखिए कितना इजी है बनाना। इसको बस हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके इसको फोल्ड करते जाएं, बस इस तरह से हम लोग पेपर फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड होगा हमारा पेपर ऐसे। इसी तरह से आपको जितना बड़ा बनाना है उस अनुसार से आप पेपर कट कर सकते हैं, और पेपर कटिंग करने के बाद एक साइड को आप चाहे तो सुई धागा से भी आप इसको बांध सकते हैं, या फिर स्टेपलर से हम लोग पिनअप कर लेंगे। अगर आपके पास सुई है तो इसको एक साइड को सुई से हम लोग, ये देखिए इस तरह से हम लोग पहले बना लेंगे। देखिए ऐसे, और उसके बाद हम लोग इसको बहुत अच्छा से एक सिरा को बांधना है हम लोग को। अगर सुई तागा से बांधना है तो सुई तागा से बांधिए। मेरे पास स्टेपलर है तो मैं इसे पिनअप कर दे रही हूँ। देखिए ये पिनअप हो गया, तो इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें फेविकॉल लगा के इसको फ्लावर को सर्कल का रूप दे देंगे हम लोग। देखिए इस तरह से हम लोग इसमें फेविकॉल लगाए एक साइड में, और अब दोनों साइड को ऐसे मिला देंगे। देखिए ये फ्लावर बन गया छोटा सा, इस तरह से ये फ्लावर। ये पहले बना के रखना होगा आप लोग को, क्योंकि जस्ट बनाइएगा तो ये फ्लावर ऐसे पेस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसको पहले ही बना के रखेंगे। तो देखिए इसमें जितने कलर के आपको बनाने का इच्छा, सर देखिए मैं पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, इस तरह से चार फ्लावर मैं बना ली। अब इसमें इस फ्लावर में हम लोग बटन को पेस्ट करेंगे। देखना ये होगा कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए पर्पल में हम लोग अगर येलो कलर डालेंगे तो ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल लगेगा, तो जितना भी पर्पल है उसमें मैं येलो कलर डाल रही हूँ बटन। अगर आप चाहो तो इस पे दूसरा कलर भी आप पेपर भी पेस्ट कर सकते हो, और नहीं तो सिर्फ हम लोग बटन पेस्ट करके भी फ्लावर बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह मैं येलो कलर को इस पे पेस्ट कर दी। अगर रेड पे दूसरा कलर ही डालना चाहें तो दूसरा कलर भी डाल सकते हैं। देखिए ब्लू कलर भी अच्छा लग रहा है रेड पे ब्लू। इस तरह से हम लोग बटन को पेस्ट कर लेंगे फेविकॉल से, और ये देखिए इसमें भी मैं ब्लू कलर का बटन को पेस्ट की। देखिए इस तरह से, और थोड़ा देर ये सूखेगा उसके बाद इसको अच्छा से पकड़ लेगा। फिर हम लोग एक स्टिक लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऊपर में फेविकॉल लगा देंगे, और फिर इसका डंटल बनाएंगे। बनाने के लिए हम लोग इस तरह से, देखिए इस तरह से हम लोग लेंगे और इसको बहुत धीरे धीरे हम लोग
ऐसे करके इसको पेस्ट करेंगे, इसमें रोल करेंगे इसको कि बहुत अच्छा से, आप यहाँ अगर पकड़ लोगे तो बहुत अच्छा से ये रोल हो जाएगा और पूरे में हम लोग इसको रोल करना है, पूरे स्टिक में हम लोग पेपर रोल कर लेंगे। तो ये हमारा फ्लावर का डंटी हो जाएगा और फिर हम लोग इसमें फ्लावर को आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए ये हो गया, एक मैं पहले से बना के रखी थी और एक मैं अभी बनाई। अब हम लोग इसमें फ्लावर को लगाएंगे। तो पहले अगर इसमें पेपर लगाना चाहें तो पीछे थोड़ा सा पेपर लगा के और इस फ्लावर को ऐसे पेस्ट कर लें। थोड़ा सा अगर पेपर लगा देंगे तो बहुत अच्छा से फ्लावर पकड़ लेगा। थोड़ा थोड़ा सा पेपर हम लोग कटिंग करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम लोग इसमें फ्लावर के ऊपर थोड़ा सा फेविकोल लगाए और फिर इसको पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। देखिए थोड़ा सा फेविकोल लगा के मैं इसमें इसको पेस्ट कर देती हूँ ऐसे। इसको सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए तो हमारा फ्लावर दिखेगा। देखिए इस तरह से हम लोग इसमें फ्लावर लगाएंगे। ऐसे ही हम लोग दूसरे में भी लगा लेंगे फ्लावर। नहीं लगाएंगे, ये है हमारा पकड़ लेगा स्टेम को, फ्लावर के डंटी को। देखिए ऊपर में मैं इस तरह से एक और पेपर इसमें लगाऊंगी और ऐसे हम लोग अपने फ्लावर को इसमें पेस्ट कर लेंगे। थोड़ा देर लगेगा सूखने में ताकि अच्छा से पकड़ ले। अगर आपके पास ग्लू गम है तो आप आराम से तुरंत भी बना सकते हो और अगर नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर हम लोग फ्लावर को इस तरह दो तीन, आपको जितना बनाने का इच्छा उतना फ्लावर बनाएं और ऐसे करके हम लोग इसमें पेस्ट करेंगे। ये देखिए मैं इसमें दूसरा फ्लावर पेस्ट की ऐसे और इसी तरह से और हम लोग फ्लावर बनाएंगे और इसमें पेस्ट करते चल जाएंगे। दो तीन चार जितना फ्लावर बना के आप पेस्ट करें उतना ब्यूटीफुल लगेगा हमारा। सिर्फ ये ध्यान रहे कि फ्लावर बना के पहले से ही हम लोग अगर पेस्ट करके रखें तो हमारा फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा और सूख भी जाएगा, गिरेगा नहीं। इस तरह से हम लोग बहुत सारा फ्लावर बनाएंगे और इसको ऐसे लगा देंगे। ये हो गया हमारा फ्लावर। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इस तरह से हम लोग बहुत सारा फ्लावर बनाएंगे। अगर आप चाहो तो लीफ भी बना सकते हो। ये देख फ्लावर किस तरह से हमारा फ्लावर बहुत अच्छा से हमारा फ्लावर इसमें पेस्ट हो गया। ओके थैंक यू चिल्ड्रन।